करके वोट नए लेके आएंगे और डलवाएंगे। हम आगे बहुत सारे चुनाव आएंगे, अगर हम उनको नहीं संभालेंगे तो हमारी हालत बीजेपी से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जीतने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, हम रात दिन कैसे उन लोगों को संभालेंगे, ये भी हमारे दिमाग में रखना है। आपस की बात में सब खराब हो जाता है, गांव में सब एक रहो, उनको मजबूती से कहो, किसी को कोई परेशानी है तो दूर करो, सबको साथ लो, किसी का अहित तो होने वाला नहीं है, सबके अलग अलग काम पड़ते हैं, काम सबके करेंगे, तो फिर किसी को साथ लाने में एतराज़ नहीं होना चाहिए। पिछली बार उन्होंने सबको साथ लेके वोट ले लिए, और हम लोग तो ये आप लोगों की जीत थी, आपको किसको मिलाना है आगे समय बताएंगे, लेके आओ, मिलाओ, मेरे को बुलाओ, रात दिन एक करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान के लोग आप देखो सर्वे में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, 150 सीट, 155 सीट, और हाँ ऐसे के लोग वोट देना चाहते हैं। ये लोग झूठ बोल के, मोदी जी ने झूठ बोल दिया 15 लाख का, वसुंधरा जी ने कहा नौकरियां दूंगी, यहाँ MLA साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं टंकी लाइन में पाइन पाइप में क्या होती है तार में डीपिंग कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, है भरोसा दिलाया। अब काम कुछ होता नहीं है तो मोदी जी भी कांग्रेस का डर बताते हैं और यहाँ MLA साहब मेरा डर बताते हैं कि अरे वोट देना नहीं तो ये आया तो तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ तो 5 साल में आपने जो लोगों की है, उंगली ऊंची की हुई है, मैं देखता हूँ मुझे ही परेशानी होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जीत भी जाएंगे तो जीत के 12 महीने में लोग हवा निकाल देंगे, अगर ढंग से काम नहीं किया, इतना तूफान है और लोगों के दिमाग में इतनी नाराजगी है। हमको ये करना पड़ेगा, देखिए वोट देना है, जातियों को, धर्म को, सबको झगड़ाने की बात करेंगे, अफवाह फैलाएंगे। मैंने सबको ये कहा है, मेरे मुंह से कोई निकला हुआ शब्द है तो उसका तो ओलबा देना और आके मेरे से बात करना, बाकी कोई सगा भी कह देवे तो किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव यहाँ खूब लोग आएंगे, आप लोग तो मजबूत रहो, आप लोग मजबूत हो, आपकी इस पंचायत के अंदर ये जितनी 11 पंचायत अब 8 की होगी है, उन पंचायतों के अंदर लगातार 2003 से लेकर और अब तक कांग्रेस पार्टी का MLA नहीं रहा है, भले एक चुनाव वहां हुआ हो 3 का और 8 और 13 का। हाय मैं आया, पर पहले तो आप 5 साल निकाल के आए साचौर में और यहाँ आते ही किया, तो यहाँ आते ही मैं जीता जरूर, मगर आते ही वोट हुए और जो परिस्थितियां बनी उसमें कार्यकर्ता और लोग जो है वो एक दूसरे को पहचान के साथ नहीं बैठ पाए, 5 साल बिखरे हुए ही रहे, और एक होके वोट दिया 13 के अंदर बीजेपी को और मजबूती से जिताया तो उन्होंने आपका ध्यान नहीं रखा, बिखेर दिया वापस। अब क्या मौका आया है कि पूरी की पूरी पंचायतें, सभी जातियां, धर्म को मजबूती से वोट देना चाह रही है, इकट्ठे होके वोट लेना है और जम के काम कराना है ताकि 15 साल बाद एक ठिकाने पे आके सब बातें ढंग से हो जाए, ऐसा काम हम लोगों को करना है। आप लोग फॉर्म भरने आओ, मीटिंग भरना, मैंने सबको ये कहा है कि कहाँ जाना दूसरी जगह, आपके रिश्तेदार यार दोस्त मित्र जितने भी है उनके वहां जाके आ जाओ, फोन कर लो, मुझे मिलाना तो मिला दो, मगर मैं कभी नहीं कहा, इस बार कह रहा हूँ गांव के चौटे पे जम के बैठ जाओ, सब लोग इकट्ठे होके गांव की हर झाड़ी छान लो, वोट मांगो, अगर इतना मेहनत करोगे तो एक गांव आप 3-3 बार है ना घूम लोगे और आपको है ना लास्ट में कंटाल के बीजेपी वाला जो नहीं देता है ना वो भी दे देगा कि इतनी बार वोट मांगने आया, वोट देना ही पड़ेगा। इसके लिए कहा जाना, मैं अपने आप जाके दूसरी जगह आप कह दोगे कि वोट देना है, गाँव के अंदर बैठोगे, व्यवस्था संभालोगे, जाओगे, वोट मांगोगे, आज लोग वोट देना चाह रहे हैं, मैंने देखा है, वो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आगे बात हो गई खत्म, हम वोट दे रहे हैं, कमजोरी रखी तो बहुत कमजोरी इनको भी ऐसा लगेगा कि कितना ही काम मत करो, 5 साल बैठे रहो, जनता अपने आप वोट देती है, तो इतना दिमाग खराब हो जाएगा कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा आपको। मैं ये बताऊं जब ये 5 साल में ये हालत है तो आगे 5 साल ऐसे लोग जीत गए तो कौन पूछने आने वाला है लोगों का। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ।